दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 8। मैं नहा चुकी हूँ और आज 2 अक्टूबर है, संडे है। आज अंकिता भंडारी के उपलक्ष्य में उनको न्याय दिलाने के लिए आज सभी ने, उत्तराखंड के सारी दुकानें बंद है। आज शाम को जुलूस निकलेगा और मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी अपनी दुकानें बंद रखें, जिससे कि इस तरीके से इंसाफ मिले और उत्तराखंड में आज के बाद इस तरीके की कोई भी घटना आगे से घटित ना हो। धन्यवाद और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, चलिए चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, देख रहे होंगे आप, हैप्पी संडे। आज हम संडे मना रहे हैं, तो संडे के दिन हमने सोचा कि आज आलू के परांठे बनाते हैं, क्योंकि संडे को कुछ तो अलग होना ही चाहिए, क्योंकि बाकी दिन टाइम नहीं मिल पाता इतना। तो संडे को फटाफट से माँ जी और मैंने फटाफट से आलू के परांठे भर दिए थे। कभी वो भरे थे, मैं बेल रही थी या वो कर रहे थे, तो साथ में हमने फटाफट से आलू के परांठे भर दिए थे। देखिए दोस्तों, आलू के परांठे बन गए हैं। आप कान्हा जी को आलू के परांठे, मक्खन और साथ में दूध चढ़ा रहे हैं माँ जी, और माँ जी पूजा भी कर रही हैं साथ में, और अब उनको खाना चढ़ा दिया है। अब वो उनका मुकुट उतार दिया है उन्होंने उनका। अब ये शंख के पानी से वो उनका हाथ धुलाते हैं, और उसके बाद ये उनका जो हैंकी है इससे वो हाथ पोछते हैं, उसके बाद वो पर्दा बंद कर देते हैं खाना खाने के लिए। तो तब तक मैंने फटाफट सेब काट लिया था, जब तक भोग लगा हुआ था मैंने कहा तब तक सेब खा लेते हैं। आजकल मैंने सेब खाने की आदत डाल दी है सुबह सुबह, तो मैं और माँ जी सेब खा लेते हैं सुबह सुबह खाली पेट। और अब आ गया नाश्ता, नाश्ते में परांठा और मक्खन, वो तो आपने पहले ही देख लिया था। उसके बाद मैंने फटाफट से थोड़ा बहुत काम था छोटा मोटा, वो मैंने निपटा दिया था। थोड़ी सी किचन साफ़ करी थी और थोड़े से जो बर्तन पड़े थे वो मैंने धो दिए थे, और उसके बाद काम करके उसके बाद क्या, ये जो थोड़े से बर्तन थे इसको फटाफट से धोए मैंने, बस उसके बाद काम ख़त्म। बस उसके बाद फिर अपने कमरे की थोड़ी सी सफाई करी, क्योंकि और ये जो बच्चा ना, इसको आपने इससे कल वाली वीडियो में देखा होगा, ये हमारे जो ऊपर किराएदार रहते हैं उनकी लड़की है ये। ये बहुत अच्छी है, शरारती भी है पर अच्छी भी है, मेरे साथ बैठ रखी थी। लोग शाम को स्नैक्स खाते हैं, हम अभी खा रहे हैं दिन के 1:30 बजे। इनका जब मन करता है तब स्नैक्स खाते हैं, चाहे दिन के 2 बज रहे या रात के 12, है ना।
आज ये ड्रम धुला है। माँ जी ने पूरी टंकी धो दी है अच्छे से, इसको झमकाया, घुलाया, घुमाया और औजार भी ला रखे थे धोने के लिए। ये देखिए, ये ब्रश ला रखे थे धोने के लिए, बाल्टी और ये डंडा। आप इस तरीके से कपड़ा लपेट के उसके अंदर के जितनी भी मिट्टी है वो निकाल सकते हैं। राजू ये अपन का तो उसने एक खराब, वो थक गए। आप भी इस तरीके से अपने टंकियाँ धो सकते हैं। ये दोस्तों, अपने माजी का मैं औजार लेके जा रही हूँ नीचे। अब शाम के बज रहे थे 5:30-6 के करीब बज रहे थे। माजी के सर में दर्द हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि मेरे सर में सरसों का तेल लगा दे, तो बस वही लगा रही थी और थोड़ा सा मतलब कोशिश की थी कि उनका सर दर्द थोड़ा ठीक हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा तेल लगा दे, सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, एक साइड उनके ज़्यादा हो रहा था। तब मैं थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल और थोड़ा सा पानी लाई थी जिससे कि उनके सर में जो दर्द है वो फटाफट से सही हो जाए। उसके बाद हाँ जी दोस्तों, रात का खाना तैयार हो चुका है। खाएंगे हम अब मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो चलिए आप भी हमारे साथ रात का खाना खा लीजिए। ठीक है दोस्तों, हमने खाना खा लिया है। अब खाना खा लिया है, आप भी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपको कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, कल मिलते हैं, बाय। ओके दोस्तों, ये एक वीडियो आपने देखी होगी, इसका जो गाना है वो मैंने म्यूट करा हुआ है और अगले ही वीडियो में डालूंगी। इस वीडियो में आपको कमेंट करना पड़ेगा कि कौन सा गाना होगा, गढ़वाली गाना है। तो देखते हैं, आप कमेंट करके बताइए कौन सा गाना है।